ప్రెసిడెంట్గా సంజయ్ సింగ్ గెలవడాన్ని నిరసిస్తూ స్టార్ రెజ్లర్ సాక్షి మాలిక్ కెరీర్కు గుడ్ బై చెప్పింది. మేం మహిళా ప్రెసిడెంట్ గెలవాలని కోరుకున్నాం, అది సాధ్యం కాలేదు. బ్రిజ్కు వ్యతిరేకంగా చాలా ఆందోళన చేశాం, అవి కూడా ఫలించలేదు. ఇప్పుడు బ్రిజ్ సన్నిహితుడే డబ్ల్యూఎఫ్ఐ చీఫ్గా రావడంతో నేను కెరీర్ను వదిలేస్తున్నా. గత కొన్ని నెలలుగా మేం చేస్తున్న పోరాటం వృధా అయిందనే కన్నీటి పర్యంతమైన సాక్షి పేర్కొంది. బజరంగ్ పూనియా, వినేష్ ఫోగట్ కూడా ఫలితాలపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. हमें बहुत साल लगे कि हिम्मत बनाई और हमने ये प्रोटेस्ट किया, लेकिन आज सब आपको नतीजा पता ही है कि प्रेसिडेंट जो है उसी का उसके बेटे से भी फिर है, उसका राइट हैंड यू मान लो प्रेसिडेंट बना है आज रेसिंग फेडरेशन का. तो जो सरकार ने कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं हुई. हमारी मांग थी महिला प्रेसिडेंट कि महिला प्रेसिडेंट होगी तो शोषण नहीं होगा, लेकिन ना पहले महिला प्रेसिडेंट ना महिला का कोई भागीदारी थी. आज आप पूरी इलेक्शन उसकी लिस्ट उठा के देख लो, एक भी महिला को कोई स्थान नहीं दिया गया. तो बस यही कहना चाहूंगी कि जो ये लड़ाई है ये हमने तो अपनी पूरी हिम्मत करके लड़ी, लेकिन ये लड़ाई जारी ही रहेगी क्योंकि आने वाली जो और फ्यूचर है, जो बेटे हैं बेटियां हैं, जो रेसलर्स हैं नई जनरेशन के, उनको लड़ाई लड़नी पड़ेगी. और मैं ये कहना चाहूंगी कि अंत में हम तो 4 अप्रैल 100 करोड़ पे, लेकिन मैं सभी तमाम देशवासी जो कि हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर दूर से आए, बूढ़ी महिलाएं आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए. हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका जो उसका बिल्कुल सही होगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा, तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक सपोर्ट किया और मुझे.